चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, हिंदी में कहूं तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि मैग्नेट का और इलेक्ट्रिसिटी का कोई ना कोई लेन देन है, ठीक है। उस चैप्टर के ऊपर पीछे हमने क्या पढ़ा था, करंट से मैग्नेट बन रहा था, जो पिछला चैप्टर है उसमें क्या पढ़ा था हमने, करंट से मैग्नेट बन रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेट से करंट बन रहा है। अरे बात समझ में, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेट से करंट बन रहा है, इस चैप्टर की थीम ये है, ठीक है। आगे देखेंगे वो कैसे बनता है, उसके लिए पहले बेसिक पढ़ेंगे आप, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कहलाता है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। यानी अगर कोई भी एक सरफेस है, उस सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली गुजरती हैं, ठीक है, यानी परपेंडिकुलरली गुजरती हैं, तो वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ रहे हो बात को। सपोज ये मान लो कि ये एक सरफेस है, इसे मान लो मेरा हाथ ही एक सरफेस समझ सकता हूं इसे, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से इस तरीके से गुजर रही है, यहां से सब तरफ से गुजर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, सब तरफ से। तो ये जो लाइंस इस एरिया से गुजर रही है वो क्या कहलाएगा आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ रहे हो बात को। जो लाइंस इसके बाहर गुजर रही है, यानी यहां 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 गुजर रही है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं कहलाए, इस एरिया से जो गुजर रही होंगी वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाए। समझ में आ रही नहीं बात, और अच्छे समझने के लिए हम देखते हैं यहां पर, ठीक है। मैंने केस वन लिया है, जब एरिया वेक्टर, सरफेस का एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में हो, ठीक है। देखते हैं कैसे, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहां से होता है, नॉर्थ से साउथ। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है ना कोई दिक्कत, ठीक है। मैंने यहां एक सरफेस ले ली है, ठीक है, ये डिस्क हो सकती है, रिंग हो सकती है, आप स्क्वायर शेप ले सकते हो, रेक्टेंगुलर ले सकते हो, कैसा भी शेप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने अभी यहां सर्कुलर डिस्क ली है, सर्कुलर सरफेस, इसका जो एरिया वेक्टर है इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अरे एरिया वेक्टर होता क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या कहलाता है, एरिया वेक्टर। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है ना कोई दिक्कत। अब ध्यान दो इधर, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में, कोई दिक्कत है। इस सरफेस से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर मैं लिखूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। समझ रहे हो बात को, भाई जितने एरिया से गुजरा वो, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड यहां से गुजर रहा है या फिर यहां से गुजर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में काउंट, मैग्नेटिक फ्लक्स में काउंट नहीं होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में ओनली कौन सा काउंट होगा, जो एरिया से गुजर रहा है। समझ गए बात को, ठीक है। अगर यहां से अभी सपोज चार लाइनें गुजर रही, अगर यहां से आठ लाइनें गुजरेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। या तो मैं ये कह दूं, या फिर मैं ये कह दूं कि ये जो रिंग है, इस रिंग का साइज मैं बड़ा कर दूं, ठीक है, इस रिंग का साइज अगर मैं बड़ा कर दूं तो जो लाइंस दो बाहर गुजर रही है वो भी उसमें से गुजरेंगी। यानी टोटल लाइंस कितनी गुजरेंगी, जब छह, अभी तो कितनी गुजर रही है, चार, लेकिन अगर रिंग बड़ी कर दी मैंने तो टोटल लाइन कितनी गुजरेंगी, छह। यानी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ गया और एरिया बढ़ गया, यानी एरिया बढ़ाने पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा गुजर रही है इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। तो मुझे यहां से फील आता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स किस किस के बराबर हो सकता है, किस किस के प्रोडक्ट के बराबर होगा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के प्रोडक्ट के बराबर होगा। कोई दिक्कत है यहां तक। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से, और एरिया को डिनोट करते हैं हम ए से। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है ना कोई दिक्कत। तो सिंपली फाई बराबर हमारे पास कितना आ गया, बी ए, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो फाई बराबर कितना आएगा, बी ए। कोई दिक्कत यहां तक, नहीं है कोई दिक्कत। अब इसका सेकंड केस, सेकंड केस क्या है, व्हेन एरिया वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। जब एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा हो, थीटा एंगल बना रहा हो, जब थीटा एंगल बनाएगा उस टाइम पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, तो मैं आपको बता दूं, डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली गुजर रही हो वो हमें काउंट करना है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो सरफेस थोड़ा सा एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड से, कुछ एंगल बना रही है, वो एंगल कहला रहा है थीटा,
ठीक है, क्या ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है क्या इस सरफेस के परपेंडिकुलर है? नहीं है, ठीक है। तो मुझे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो कितना होगा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड? मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स लूंगा, सपोज यहां पर आएगा बी कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में आएगा बी साइन थीटा। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है ना कोई दिक्कत? अगर मैं इन कंपोनेंट्स को लूं, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं इस चीज को, बी कॉस थीटा, ठीक है, तो क्या होगा? परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और एरिया चाहिए, यानी फ्लक्स बराबर मैं क्या लूंगा? परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? बी कॉस थीटा, ठीक है, और एरिया कितना है? ए, ठीक है। और अगर मैं इसे लिखूं तो क्या आएगा? बी ए कॉस थीटा। समझ गए बात को? क्लियर है यहां तक सभी को? दूसरी बात, अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो स्केलर फॉर्म में मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं बी डॉट ए। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है ना कोई दिक्कत? फंडा समझ में आया? ठीक है, चलो दो केस हम देख चुके हैं, थर्ड केस देखते हैं। अगर हम कोई ऐसी सरफेस लेते हैं जो रेंडम शेप की, कुछ भी शेप हो सकता है, ठीक है, उसका एरिया हम नहीं जानते, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोज तरीके से गुजर रही है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट लूंगा, ठीक है, और इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर होगा, और वो कितना होगा? डी ए, ठीक है। और यहां पर ये कितना एंगल बना रहा है इससे? सपोज थीटा, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बी कॉस थीटा, और इसकी डायरेक्शन में कितना होगा? बी साइन थीटा। लेकिन हमें मतलब किससे है? परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। और इस स्मॉल एरिया की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड में लूंगा, सॉरी, जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा? डी फाइव, ठीक है, और डी फाइव बराबर क्या लिखूंगा मैं? बी कॉस थीटा डी ए। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है ना कोई दिक्कत? सभी बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? अभी क्या करूंगा मैं? डी फाइव बराबर क्या लिख सकता हूं इसे? बी डॉट डी ए। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है ना कोई दिक्कत? तो फाइव बराबर कितना आएगा फाइनली? इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए। ये कोई भी सरफेस हो उसके लिए सबसे फाइनल फॉर्मूला, सबसे बड़ा फाइनल फॉर्मूला। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है ना कोई दिक्कत? बात समझ में ही नहीं है यहां तक? चलो, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की तीन केस हो गए। अब इसमें कुछ जनरल केस और देखते हैं, ठीक है। अब हम जनरल केसेस पे बात करते हैं। देखो, अगर थीटा जीरो हुआ, ठीक है, तो कॉस थीटा कितना होगा? वन। लेकिन थीटा किसके बीच में जीरो है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इस तरीके से होंगी तो थीटा कितना आएगा? जीरो। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन, ठीक है। तो यहां पर फाई की जो वैल्यू आएगी वो ओनली कितनी आएगी? बी ए, जो कि क्या होगा? मैक्सिमम, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक? हम जानते हैं वैसे भी थीटा किसके बीच में एंगल है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। किस किसके बीच में एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो क्या कहलाता है आपका? थीटा। क्लियर? अब इस वाले के अंदर बात करें, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में एंगल कैसा रखना चाहते हैं? 90। तो उस केस में कैसा होगा डायग्राम? देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होंगी उस टाइम पे, ठीक है, समझ रहे हो आप बात को? एंगल कितना बन रहा है इस टाइम पे? 90। एंगल कितना बन रहा है यहां पर अभी? 90, हम देख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो फाइ बराबर इस दौरान कितना होगा? जीरो, जो कि क्या होगा? मिनिमम। समझ रहे हो बात को आप? यानी अगर सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है,
सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो फ्लक्स कितना होगा? जीरो, ठीक है। और सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स क्या होगा? बी ए, और वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगला केस देखते हैं हम, अगर थीटा लेस देन 90 है तो कॉस थीटा कितना होगा? पॉजिटिव, यानी कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। यानी सपोज मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से गुजर रहा है, ठीक है, और एंगल कितना बनना है यहां पर? थीटा, क्लियर। तो इस टाइम पे जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा आपका? पॉजिटिव। कैसे आएगा? चलो ये भी बता देता हूं, बी ए कॉस थीटा, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक? अब लास्ट केस, इसके अंदर थीटा ग्रेटर देन 90, यानी कंडीशन कैसी होगी? कुछ इस तरीके की कंडीशन कैसी होगी? कुछ इस तरीके की, और एंगल कितना होगा? थीटा। समझ रहे हो बात को आप? ठीक है, तो कोस थीटा क्या होता है उस टाइम पे? नेगेटिव, यानी कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और भी क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, थर्ड में भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर फाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी? फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, यानी अगर मैं कहूं तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसकी वजह से फ्लक्स भी क्या हो जाएगा आपका? अब हम इसके यूनिट और डायमेंशन की बात करें, तो पहले हम यूनिट के बारे में देखेंगे। फाई बराबर कितना होता है? बी ए, जो फ्लक्स की यूनिट होती है वो होती है वेबर, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, और हम इसे डब्ल्यू बी से शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो वन वेबर इसके अंदर होगा मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, एरिया का होगा 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 वेबर किसके बराबर होगा? 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। एक बात, ठीक है, ये तो हो गई इसकी एसआई यूनिट। और अब इसकी सीजीएस यूनिट की बात करूं तो इसकी सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल, सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल, ठीक है। और इनका रिलेशन की बात करूं तो 1 वेबर बराबर होता है 10^8 मैक्सवेल, क्लियर। ये इसके रिलेशन की बात है, ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? अब इसके डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो डायमेंशन क्या होगी? देखो इस साल से बोर्ड का पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है, और उसके अंदर एमसीक्यूज भी आएंगे, ठीक है। एमसीक्यूज के अंदर डायमेंशन भी पूछ सकता है, अब हम डायमेंशन रट तो सकते हैं नहीं, उसका मेथड हमें पता होना चाहिए, तो मैं इसका कुछ मेथड बता देता हूँ आपको जिससे हम इजीली डायमेंशन निकाल पाएंगे इसकी, ठीक है। हम जानते हैं फाई बराबर कितना होता है? बी ए, ठीक है, और पीछे हम पढ़कर आए हैं कि एफ बराबर कितना होता है? क्यू वी बी, तो यहां से हमें मिलेगा बी बराबर कितना होगा? एफ बाय क्यू वी, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है कोई दिक्कत। अब मैं ये वैल्यू यहां पुट करता हूं तो फाइव बराबर कितना आएगा? एफ बाय क्यू वी इंटू ए। अब मैं इनकी डायमेंशन जानता हूं तो डायमेंशन ऑफ फ्लक्स क्या होगी? देखो इसकी डायमेंशन लिखूंगा मैं कितनी होगी? एम वन एल वन टी माइनस टू, एरिया की कितनी होगी? एल टू, चार्ज की कितनी आएगी? ए वन टी वन, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी आएगी? एल वन टी माइनस वन, ठीक है। देखो एल वन से एल वन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर ये टी की वैल्यू प्लस में और ये माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या ले देकर? एम वन, ठीक है, एल वन खत्म हो गया, ये बचा एल टू, ठीक है, और यहां पर बचेगा मेरे पास टी माइनस टू
और ए माइनस वन, ये आपके फ्लक्स की डायमेंशन आ गई। कोई दिक्कत नहीं आता? नहीं है।